तो हे गाइस वेलकम बैक। सो भाई अभी तक हमने सीरीज में दो मैचेस खेले हैं, जिसमें हम खेले हैं भाई सीएसके लेजेंड्स का मैच सीएसके की करंट टीम के अगेंस्ट एंड मुंबई इंडियंस लेजेंड्स का मैच मुंबई इंडियंस की करंट टीम के अगेंस्ट। भाई अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो भाई उसका लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। भाई आज की वीडियो में खेलने जा रहे हैं भाई केकेआर लेजेंड्स का मैच केकेआर की करंट टीम के अगेंस्ट एंड भाई रूल्स बिल्कुल ही सेम है। मैच हम करेंगे T10 फॉर्मेट में एंड भाई हम उस टीम से खेलेंगे जो यहां पे टॉस हार जाएगी। सो भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड भाई जिसने अभी तक लाइक वाला बटन दबाया तो भाई आप लाइक भी कर दीजिए। सो भाई अब हम चलते हैं मैच में। तो भाई टॉस टाइम में एक साइड पे गौतम गंभीर एंड दूसरी साइड पे भाई श्रेयस अय्यर एंड भाई हम उस टीम से खेलेंगे जो यहाँ पे टॉस हारने वाली है। केकेआर यहाँ पे टॉस जीत चुके हैं, हम खेलेंगे भाई केकेआर लेजेंड्स की तरफ से एंड भाई हमारी पहले आ चुकी है भाई बैटिंग। तो भाई चलते ग्राउंड में करते हैं बैटिंग की शुरुआत। तो भाई पहली बॉल डालने जा रहे हैं उमेश यादव एंड भाई पहली बॉल खेलेंगे क्रिस लिन। एक स्लिप लगी हुई है, पहली बॉल डिफेंस एंड भाई सिंगल भागेंगे पहले रन ऑफ द बोर्ड फॉर केकेआर लेजेंड्स। तो भाई तीन बॉल हो चुकी हैं, दो रन एंड भाई क्रिस लिन से हमें मैं हिटिंग करवाने वाला हूं क्योंकि भाई साहब क्रिस लिन पेलता और पहला छक्का मार दिया भाई यहां पे केकेआर के लिए, मतलब केकेआर लेजेंड्स के लिए। तो भाई पहली बाउंड्री आ चुकी है 6 रन के साथ भाई उमेश यादव यहां पे पिटते हुए यहां पे। अरे भैया जी बहुत बढ़िया शॉट मारा है क्रिस लिन ने स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड भाई। पहले ओवर में आए भाई 12 रन भाई, मेरा ट्राई रहेगा 10 ओवर में कम से कम, नहीं तो 120 रन तो हम मार ही जाए यहाँ पे भाई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। सो भाई शार्दुल ठाकुर यहाँ पे बॉलिंग करने आया भाई, लॉर्ड ठाकुर इज हियर टू बॉल एंड भाई ये बहुत ही अच्छी बाइक किया केकेआर ने, लाइक ऑलराउंडर अच्छा मिल चुका है अभी केकेआर को। और यहाँ पे बहुत बड़ी स्पीड है ग्राउंड पर, यहाँ पे किस्मत फुद्दू तो क्या करेगा बॉल में टका फुद्दू और हमें बच गए। सो भाई क्रिस लिन ने सामने पे, क्रिस लिन ने यहाँ पे थोड़ी सी हिटिंग तो की है, यहाँ पे फुल टॉस बॉल डाल दी बिल्कुल ही। और ये भाई क्या ही बढ़िया ड्राइव मारी है भाई क्रिस लिन ने, बहुत ही बढ़िया खेल रहा है लाइक अभी तक 5-6 बॉल खेली है भाई, 3 बाउंड्री निकाल दिया बंदे ने। तो भाई क्या ही शुरुआत मिली है, 1.2 ओवर्स में 17 बेस 0 आउट। एक और फुल बॉल यहाँ पे मारी है, यहाँ पे कैच कर लिया। तो भाई रॉबिन उथप्पा यहाँ पे बैटिंग के लिए आया भाई, इस बंदे ने भाई बहुत ही बढ़िया खेला केकेआर के लिए। उथप्पा भैया जी 10 ओवर पूरे खेलकर जाएंगे और हिटिंग करने वाले या नहीं? बाय बाय टाटा, नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पर शार्दुल ठाकुर हैट्रिक पे आ चुका है भाई। नीतीश राणा ने भी केकेआर के लिए काफी अच्छे मैच जिताए हैं बट भाई ये हैट्रिक बोला है इसको भाई निकालना पड़ेगा। लॉर्ड ठाकुर भाई, लॉर्ड ठाकुर अच्छी बॉलिंग करते हुए अब तक पहले मैच में बढ़िया बॉल अच्छा खेल दिया और सिंगल भाग लिया, ग्रेट रनिंग। सो भाई दो ओवर के बाद 23 पे 2 आउट है एंड भाई यहाँ पे पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं इसको सिंगल के लिए निकाल लिया है, बहुत बढ़िया कट है गैप में, यहाँ पे बहुत अच्छा शॉट है यहाँ पे गौतम गंभीर भाई। आपको पता होगा भाई अगर आप पुराने फैन हो क्रिकेट के और पुराना क्रिकेट देख रहे हो भाई, गौतम गंभीर के कट बहुत ही बढ़िया होते थे। सो भाई यहाँ पे ठाकुर का स्पेल भी खत्म करवा रहे हैं, एक ओवर में 11 रन दिए और साथ में भाई ने 2 विकेट भी निकाल लिया और जीजी भी लाइक। अरे नहीं ये क्या हुआ है, कैच नहीं हुआ, कैच नहीं हुआ मेरे को इतना पता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे लगा इंसाइड एज, ओके ग्राउंड पे बॉल पे टप्पा पड़ा उसके बाद पैर पे लगी बॉल हवा में गई है। तो भाई यहाँ पे फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, आई थिंक सो गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ ही आने वाली है यहाँ पे बॉल, शॉर्ट बॉल थी भैया जी। भाई सुनील नारायण यहाँ बॉलिंग करने आए भाई, इस बंदे ने सीरियसली भाई केकेआर के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर यहाँ पे हो चुके हैं, 40 पे 2 आउट, सामने है जी गौतम गंभीर, स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं और ये अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे, बट हमें बॉल थी नहीं, कैच नहीं करेंगे सिंगल मिलेगा भाई, स्पिनर्स को यहाँ पे पेलना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है। बहुत बढ़िया शॉट है यहाँ पे, ग्रेट शॉट फ्लिक्ड पेपर चौका, नीतीश राणा के बल्ले से यहाँ पे फ्लिक आया चौके के लिए भाई। एक बाउंड्री यहाँ पे इस ओवर में आ चुकी है भाई, अब हमें क्या करना, बस अटैक ही करना है भाई, अटैक करना भैया जी, अटैक करना है, फुद्दू बात मत करो, अटैक करना है। एक चौका है तब भी भाई इस ओवर में 5 रन ही आए अभी तक, बट यहाँ पे ओके टाइमिंग के साथ फ्लिक कर दिया प्लेयर के ऊपर से निकल गई है भाई एक और चौका। भाई वरुण चक्रवर्ती हमें बॉलिंग करने आया, सामने भाई गौतम गंभीर भाई, अब पेलना पड़ेगा बस गौतम गंभीर, स्पिनर को तो अच्छा खेल लेते हैं और हमें पता है बहुत अच्छा खेलते हैं, पहली बॉल पे बाउंड्री चौके के लिए भाई। गौतम गंभीर यहाँ पे 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं भाई, देख रहे हो बहुत बढ़िया कट, एक और चौका भैया गौतम गंभीर और फायर ब्रो, एक और चौका बहुत फाइन था, कोई प्लेयर रोक ही नहीं पाता इसको। चलो 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 बहुत बढ़िया भाई, 3 बॉल में 10 रन है और वरुण चक्रवर्ती ने पारी अपनी मिस्ट्री स्पिन डाल दी और यहाँ पे बोल्ड कर दिया, पता नहीं कैसे कैसे बॉल डाली है और यहाँ पे बोल्ड कर दिया भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ी विकेट है यार ये। तो भाई 10 रन और 1 विकेट आई अभी तक इस ओवर में, यूसुफ पठानिया हमें बैटिंग करने आए हैं जी, बहुत बढ़िया शॉट है सिंगल मिलेगा। तो भाई लॉकी फर्गसन इज हियर टू बॉल भाई, यहाँ पर हमें यूसुफ पठान की बहुत ही बढ़िया पारी चाहिए होगी वरना भाई यहाँ पे मैच तो हमारे हाथों से निकल जाएगा। गुड टाइमिंग के साथ बॉल जा रही है बाउंड्री के पार, बढ़िया आई थिंक सो बाउंसर आने वाली, फील्डिंग तो बाउंसर के लिए है। और यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया शॉट मारा है भाई यूसुफ पठान, ऑन फायर ब्रो। सो भाई राणा साहब मेरे को माफ करना क्योंकि अब मैं मारने वाला हूँ आपसे हिटिंग। हाँ भाई बोलते मेरे से बॉल टच नहीं होगी तो हिटिंग कहाँ से करवाओगे आप भाई, इस ग्राउंड में लाइक स्ट्रेट हिट्स मारने बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो हम अक्रॉस मार देंगे ना भैया, स्ट्रेट हिट मारने मुश्किल है तो भाई सीधा कवर्स के ऊपर से मार के उठाओ यार, मतलब पॉइंट के ऊपर से चौका। भाई 5 बॉल हुई है और 10 रन आए सामने यूसुफ पठान आखिरी बॉल के लिए,
फुल टॉस बॉल थी भाई, टाइमिंग नहीं कर पाया, यहाँ पे मैंने मिस कर दी। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भाई चौके के लिए, सिंगल मिला इस बॉल पे। सो भाई आखिरी दो ओवर रह चुके, नारायण का आखिरी ओवर है, इसके बाद आई थिंक लॉकी फर्गसन का एक ओवर रह जाएगा ना। सो भाई यहाँ पे हिटिंग करनी पड़ेगी, लाइक हर एक बॉल पे मारने वाला, बट यहाँ पे गैप में बॉल जा रही है, चौका नहीं गया, दो मिल गए यहाँ पे, तीन बॉलें हुई और तीन रन दिए नारायण ने। अच्छा बॉलर है भाई ये, पेलने नहीं देता अपने आप को, बट यहाँ पे नहीं नहीं रुक जा रुक जा रुक जा भाई, ब्रसल को भी बैटिंग करने आना है, और यहाँ पे राणा से हिटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे सिंगल मिलेगा, दो चौका चल जा प्लीज प्लीज प्लीज, जा 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 जा, बहुत बढ़िया। तो भाई आखिरी ओवर डाले आए अभी लॉकी फर्गसन, राणा भाई या तो आउट हो या मार भाई, सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया शॉट है, गैप में जा रही है, निकल जा निकल जा, निकल गया, बढ़िया शॉट भाई, फाइनली चौका। आई थिंक सो यहाँ पे यॉर्कर आने वाली है, शॉट यहाँ पे इन सेट निकला, यहाँ पे किस्मत तो बढ़िया, तो भाई यहाँ पर इन सेट के चौके जाते हैं, बढ़िया यहाँ पे राणा के बल्ले से थोड़े स्कोर तो आए, यहाँ पे बहुत बढ़िया स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे प्लेयर मार दिए चौके के लिए, निकल गया, तीन चौके तीन बॉलों पे, ग्रेट शॉट। तो भाई आखिरी बॉल है, 104 यहाँ पे हो चुके हैं केक क्या लेजेंड्स के, लेट्स सी आखिरी बॉल पे हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पे दो भागेंगे या तीन भागे, मेरे को नहीं पता कितने भागने वाला हूँ, बट यहाँ पे मैं दो तो कंफर्म है, बहुत दो भाग लिए और रहने दे पापे, चल बच गया, हाँ दो ही आए हैं। तो भाई केक क्या लेजेंड्स ने यहाँ पे टारगेट दिया 107 रन का, तो भाई अब चलते ग्राउंड में, देखते हैं कैन केक क्या लेजेंड्स डिफेंड दिस 107 रन और नॉट। सो भाई यहाँ पे बैटिंग की शुरुआत करने आए वेंकटेश अय्यर के साथ, कौन है गुरबाज, आई थिंक सो गुरबाज वो अफगानिस्तान का प्लेयर है, एंड बॉलिंग की शुरुआत करेंगे हमारे लक्ष्मीपति बालाजी यहाँ पे। सो भाई पहली बॉल डालने जा रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मीपति बालाजी, एंड भाई पहली बॉल खेलने जा रहे हैं, कौन है ये वेंकटेश अय्यर, पहली बॉल पे कैच आ गया, चौका आ गया। तो भाई रहमतुल्ला गुरबाज आए यहाँ पे अफगानिस्तान का, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है ये, एंड भाई यहाँ पे लक्ष्मीपति बालाजी को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, दो बॉल में पांच रन दिए यहाँ पे अभी तक हमने, यहाँ पे बहुत बढ़िया शॉट है, प्लेयर है यहाँ पे सिंगल मिलेगा। तो भाई जैसे पहली बॉल में बाउंड्री आई तो उसके बाद हमने बॉलिंग तो अच्छी की है भाई, जैसे लक्ष्मीपति बालाजी ने ग्रेट बॉलिंग की है, और यहाँ पे आउटसाइड एज गैप है, चौका जाएगा लाइक। तो भाई दूसरा ओवर डालने जा रहे भाई मोने मॉकल, भाई इस बंदे की हाइट इतनी बड़ी है ना, लाइक ऊपर देखना पड़ता है। तो भाई पहली बॉल डालने जा रहे हैं यहाँ पे मोने मॉकल, सामने भाई गुरबाज, लेट्स सी यहाँ पे क्या ही करने वाले, गुरबाज हिटिंग करेगा मेरे को जहां तक लग रहा है, और यहाँ पे पहली बॉल पे कट मार दिया चौके के लिए भाई, पांच बॉल है 9 रन, लेट्स सी इस बॉल पे विकेट आने वाली है नहीं, लेट्स सी, कम ऑन कम ऑन, विकेट है, बढ़िया शॉट है, विकेट कहाँ से आएगी जब यहाँ पे चौका आ रहा है। तो भाई यहाँ पे बॉलिंग करवाने जा रहा हूँ मैं, पीयूष चावला से लेग स्पिनर है भाई, मेरे को जहां तक लगता है बंदा विकेट ले जाएगा, पहली बॉल डालने जा रहे हैं यहाँ पे पीयूष चावला जी, कम ऑन पीयूष जी, विकेट करेंगे यहाँ पे पहली बॉल पे, यहाँ पे बहुत बढ़िया शॉट है यार, पहली बॉल पे चौका निकाल दिया इसने तो। सो भाई तीन बॉल है 6 रन है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे पीयूष चावला विकेट ले जाएगा, आई थिंक सो हमें विकेट ले जाएगा, बॉल अच्छी बॉल थी भाई, पांच बॉल है 6 रन, यहाँ पे अच्छी बॉल किया भाई पीयूष चावला, नो डाउट रियली गुड बॉलिंग किया प्लेयर है वहाँ पे, सिंगल से ज्यादा नहीं चौका नहीं जाना भाई, चौका नहीं जाना चाहिए, चौका गया भाई। सुनील नारायण से बॉलिंग करवाते हैं, क्या पता भाई ये विकेट ले आए यहाँ पे, नारायण भाई विकेट चाहिए मेरे को, बहुत जरूरी है भाई विकेट यहाँ पे, वरना मसला हो जाएगा, कैच इट कैच इट कैच इट, बोल्ड हो गया, कैच का ऑप्शन आया बट बॉल विकेट पे जा चुकी है, और यहाँ पे बोल्ड हो चुके हैं भाई, देखो नारायण आए और विकेट ना आए तो भाई ऐसे कैसे चलेगा बेटे, बहुत बड़ी विकेट है ये। तो भाई बैटिंग करने आ चुके भाई कप्तान साहब केकेआर के श्रेयस अय्यर, तो भाई पहली बॉल पे यहाँ पे विकेट आ चुकी है जी, यहाँ पे प्रेशर फुल होना आई थिंक सो, पहली बॉल पे अय्यर ने भाई बाउंड्री निकाल दी भाई, किस चीज का प्रेशर है भाई, विकेट आने वाली भाई, विकेट आने वाली है, यहाँ पे विकेट आ जाएगी, विकेट तो आ गई थी, अगर बॉल कीपर के हाथ में जाती है, बॉल की विकेट कीपर के सर से चौका गया है। सो भाई पीयूष चावला से यहाँ पे बॉलिंग कंटिन्यू करवा रहा हूँ, एंड भाई अय्यर की मेरे को यहाँ पे विकेट चाहिए, बड़ी विकेट होने वाली इस बंदे की भाई, यहाँ पर एक और आउटसाइड एज निकला भाई, मैं ऐसा करता हूँ इनको बोलो भाई एज एज खेल रहे, मैं बैठ जाता हूँ बाहर जाके, एज एज खेल लेते हैं यहाँ पे ये बंदे भाई, मैं अभी भी यहाँ पे स्लिप लेकर नहीं आया, बढ़िया, अगर स्लिप की जरूरत तब पड़ती है ना जब एज निकल के बॉल जाए, बट यहाँ पे हमने बोल्ड कर दिया है, कोई बात नहीं पीयूष भाई अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, आखिरी ओवर है, विकेट निकाल दो, एक और मजा आ जाएगा, शॉट है यार, राणा ने कट मारा लेट कट भाई, यूसुफ पठानी यहाँ पे पहली बॉल डालने जा रहे हैं, पार्ट टाइम स्पिनर है, विकेट ले जाएगा मेरे को लग रहा है भाई, मैं बोलता हूँ स्लिप ले आते हैं भाई, बाकी मैं बोलता हूँ सारे स्लिप पे लगा लेते हैं भाई, सेकंड स्लिप यहाँ पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे इसका एज निकलने वाला मेरे को पता है, अब इस बंदे का एज निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे सिंगल मिलेगा या दो मिलेगा, रनआउट मिलेगा यहाँ पे भाई, रनआउट मिल सकता है, कर दिया, चलो भाई बहुत बड़ी विकेट है यहाँ पे राणा की, मुझको राणा जी माफ करना क्योंकि आप पवेलियन की ओर जाने वाले हो। सो भाई रिंकू सिंह यहाँ पे बैटिंग करने आए हैं भाई, अभी भी एक स्लिप लगाई हुई है मैंने यहाँ पे, ठीक है जी, शाबाश, क्या शॉट है। तो भाई 10 रन तो इस ओवर में भी आ चुके हैं, अगले ओवर में नारायण से करवाता हूँ, ठीक है, बढ़िया शॉट है यहाँ पे, सिंगल मिलेगा, चौका नहीं है, बहुत बढ़िया बॉलिंग है, गुड वन, बहुत बढ़िया भाई, रन आउट अपॉर्चुनिटी एक और मिल गई यहाँ पे, अरे भाई साहब विकेट एक और। तो भाई एंड्रे रसल यहाँ पे बैटिंग करने आए, और भाई बॉलिंग करने कौन आया है, एंड्रे रसल, अब मजा आने वाला है तो भाई अब आने वाला मजा, क्योंकि यहाँ पे एंड्रे रसल बॉलिंग करने जा रहे हैं भाई रसल को, लेट्स सी यहाँ पे क्या बनने वाला, रसल जी विकेट चाहिए मेरे को,
ना रसल जी बोलते मैं छक्का मारूंगा। शाबाश भाई, 21 बॉल में 34 रन चाहिए भाई, यहाँ पे विकेट निकालनी पड़ेगी वरना मैच हाथ से निकल जाएगा। इतू सर रह गया था भाई, आउट था ये। तो भाई एक बार यार रसल को बॉलिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पे कट डालूंगा यॉर्कर। कट्टर डाली थी और कट्टर को भाई कट्टर मार दिया और छक्का मार दिया। तो भाई लक्ष्मीपति बालाजी को बॉलिंग करने लेकर आया हूँ, एक ओवर में 12 रन दिए और भाई यहाँ पे रिक्वायर्ड है भाई 8 का एंड करंट ऑन भाइयों का कितने का 11 का। एक बॉल में 2 रन, पहली बॉल में 2 रन आया भाई, बढ़िया शॉट है भाई जी। और दूसरी बॉल पे जी चौका आ गया है भाई, अगर यहाँ पे अभी भी रसल की विकेट आ गई भाई मैच बन जाएगा। बढ़िया बॉल, बढ़िया यॉर्कर थी और ये शॉट है बेटे, मौज कर दी है, ग्रेट फील्डिंग। एक और चौका रुका भाई, बॉल पकड़ेगा तू भाई। मॉर्ने मॉर्कल यहाँ पे 9 था वो डालेंगे। सो भाई यहाँ पे चाहिए 12 बॉल में 17 रन सामने है जी। कौन रसल मसल पेलेगा या विकेट देगा, लिखना पड़ेगा पेलेगा भाई। विकेट क्यों देगा भाई, ऐसे मारता है और छक्का चल जाता है, हमने तो बैटिंग नहीं करवाई भाई रसल से। तो भाई पहली 2 बॉल पे आ चुके भाई 10 रन, अब तो विकेट निकाल दो भाई, निकाल दो विकेट, मजा आ जाएगा। आगे विकेट, आगे विकेट, आगे विकेट, चौका आ गया जी भाई, 2 रन 9 बॉलों में। चलो जी विकेट आ गई इस बॉल पे, 9 बॉल हो गई जी। किस्मत है फुद्दू तो क्या करेगा, बॉल मिलेगा तो तू 9 बॉल डाल दी भाई यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे केकेआर जीत चुके 6 विकेटों से वो 9 बॉल के साथ और सिंगल के साथ। मेरे को लगता था एक रन अभी और चाहिए जीतने के लिए, यहाँ पे केकेआर जीत चुके भाई 6 विकेटों से। तो भाई स्कोर कार्ड आपके सामने आ चुका, प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके रसल भाई, 31 रन 8 बॉल में भाई, वन साइड मैच कर दिया भाई ने। तो भाई अब आप बताओ भाई कैसी वीडियो लगी आपको। सो भाई अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सो भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ बहुत ही ज्यादा जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।